मध्य प्रदेश में बुधवार से नमामि गंगे अभियान आरंभ हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बेतवा नदी के उद्गम स्थल जीरी बहड़ा से अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, पर्यावरण दिवस का महत्व पूरा विश्व मानता है। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत 3,090 करोड़ की लागत से जल संरक्षण के 990 कार्य आज से प्रदेश में प्रारंभ किए जा रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल स्रोतों का संवर्धन और संरक्षण करना है। वहीं मुख्यमंत्री ने आम जनता से अभियान से जुड़ने की अपील भी की। वहीं दूसरी तरफ अभियान को लेकर कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नर्मदा नदी के किनारे पौधारोपण किया था, जिसके लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई थी। अब वहां एक भी पौधा जीवित नहीं है। मुकेश नायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सैटेलाइट इमेज जारी की थी, जिसमें एक भी पौधा जीवित नहीं पाया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि इसकी क्या गारंटी है, इस बार जो पौधे लगाए जा रहे हैं वह जीवित रहेंगे। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अपने नर्मदा के किनारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो पौधारोपण की बात करी थी, करोड़ों पौधे लगाए थे उन्होंने जनता से ये कहा, और कांग्रेस पार्टी ने सैटेलाइट इमेज उसकी जारी की थी जिसमें एक भी पौधा जीवित नहीं है, तो उन पौधा लगाने में जो करोड़ों रुपए की विपुल धनराशि व्यय की गई वो कहाँ है। पहले जो पौधे लगाए थे वो सब गायब हैं, अब दोबारा पौधे लगाने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो पर्यावरण के लिए 45,000 करोड़ रुपए की चर्चा की है नियोजन की, उसमें 3,000 करोड़ रुपए जो बेतवा के आसपास साफ सफाई और वन ग्रामों में जो विकास के लिए पैसे नियोजित करने की बात की है, जब पहले जो पैसा दिया जब उसका ऐसा भयंकर दुरुपयोग हुआ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इतनी विपुल धनराशि जो जनता की है इसका सही उपयोग होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।